इस टाइम के सबसे बड़े रैपर हैं, कुछ भी लिखवा लो अच्छा ही लिखते हो, इस बात की सबसे बड़ी क्या खुशी है आपको? यार लोगों को अच्छा लगता है इसी चीज़ की बहुत खुशी है। ये तो आप लोगों का प्यार है जो आपको लगता है कि इतने बड़ी बड़ी आप बोल रहे हो, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है यार, बहुत ही सही लगता है। अभी आप रैपर की दुनिया के अमिताभ बच्चन हो और सारी फैमिली वालों क्या रिएक्शन है और जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स वगैरह क्या बोलते हैं? सब यार बहुत इनकरेजिंग है, बट सबको ये है कि फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, काम बहुत है ना, बट सब खुश हैं। मतलब ये बहुत ही सही फीलिंग है मेरे लिए, बट प्रेशर भी है कि यार लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है वो ख़राब ना हो। भाई जब आपने स्टार्ट किया था और अब से लेके आपकी पर्सनैलिटी में कितना अंतर आया? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा मोटा हो गया हूँ, बाकी सब सेम है। सब सेम है। और डे रूटीन क्या रहता है? डे नाइट नहीं पता, रूटीन सिर्फ म्यूज़िक है। हाँ। अरे आपका एक रेस्टोरेंट लॉन्च होने वाला है और उसकी तैयारी आपने कब की है? पिछले 5 साल से मैं सोच रहा था कि इस इंडस्ट्री में घुसूँ। मेरा प्यार है खाना, म्यूजिक, सो इट्स अ हाई एनर्जी स्पेस, इज कॉल्ड ड्रैगनफ्लाई एंड वी आर ओपनिंग दिस इन मुंबई, दिल्ली एंड देन दुबई एज वेल। वी आर गोना टेक इट टू प्लेसेस एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 3 years, इन द नेक्स्ट 3 years एक्चुअली, I see Dragonfly everywhere. क्या बात है? जिस तरीके का आपका नाम है, उस तरीके की आपकी शख्सियत भी है। जी। किसने आपको ये नाम सजेस्ट किया? और यार ये नाम मैंने अपना खुद ही रखा था। मैं शाहरुख खान जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, बादशाह फिल्म आई थी, तब मैंने अपना नाम रखा था बादशाह। छोटी सी कहानी है। अरे आप कभी भी फैशन कॉन्शियस नहीं है और जो पहनते हैं लोगों में वो फैशन बन जाता है। हाँ, तो आप उसके बारे में? मैं फैशन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे को अपनी ब्रांड्स बहुत पसंद है और है यार मुझे शौक़ है अच्छे कपड़े हों, बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया फिटिंग हो, बढ़िया जूते हों, चश्मे, शौक़ है इन चीज़ों का। बट सही यार, आई मीन यही एक माड़ा शौक़ है पैसे खर्चने वाला, बाकी तो सिंपल सा बंदा हूँ। अरे भाई अगर आप रैपर नहीं तो मैं कोशिश कर रहा होता रैपर बनने की, स्ट्रगलिंग रैपर होता मैं। जो आपकी लिखी हुई आपकी लाइन आपकी छू गई क्या रही है? जो भी करेगा ऊपर वाला तेरे हिस्से में लिखता जाएगा, जो भी खोएगा वही पाएगा, जो भी बोएगा वही खाएगा, तू दुनिया को जो देगा वही दुनिया से वापस तुझको आएगा। जो आपके लवर्स हैं, जो आपको ऊपर से जानते हैं, क्या अंदर से वैसे एकदम प्योर तो क्या ही, मतलब मस्त हूँ एकदम। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जिंदगी में जब मैं 70 साल का हो जाऊँगा तो मेरी जिंदगी ऐसी? इतना जीना ही नहीं मैंने यार, पहले मर जाऊँगा, इतना कौन जिएगा? इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी की, और बड़ा मोटिवेशन मिलता है। भाई आपके आने वाली प्रोजेक्ट से कोई एक लाइन जो आप अभी बोलना चाहेंगे? और कितनी तारीफां चाहिए तेरे?